हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में एक अंडररेटेड जेम कह सकते हैं बॉलीवुड का, जिसको सबने भुला दिया पता नहीं क्यों, और जिसको मैंने ढूंढना वापस से यूट्यूब पे मिल गया। मेरे को अंधेरी गलियों में जब मैं यूट्यूब पे घूम रहा था तो एक गली में मेरे को मिला कुछ एक खजाना। आओ तो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो आज जिस मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ उसका नाम है एक हसीना थी। तो तुमने ये कहीं ना कहीं गानों में सुन रखा होगा, बट मूवी क्या है और क्यों है वो सब बताता हूँ। तो हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है प्लेड बाय सैफ अली खान, जो कि एक बहुत चार्मिंग बंदा है। तो इस एक हसीना मूवी में हसीना कौन है तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। उर्मिला मातोंडकर, अगर मैं कुछ भी नामों पर नीचे दे रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट हाँ उस परी के बारे में बात हो रही है। अब तो वो एज में बहुत बड़ी है, मेरे को पता है सिम तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट मैं मूवी के कैरेक्टर्स को जब देखा था तब की बात कर रहा हूँ। तो वो 2004 में मूवी सिचुएटेड है, तो हाँ मूवी में अच्छी दिखती है बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा सिम करने लगा। तो इस मूवी में उर्मिला के कैरेक्टर का नाम होता है सारिका, जो कि एक सिंगल वुमेन है जो खुद अकेले स्ट्रगल कर रही है मुंबई जैसे एक बड़े शहर में, ठीक है, जो कि एक बहुत एम्पावरिंग बातचीत है क्योंकि 2004 की बात हो रही है, ठीक है। और उसी मूवी में एक क्यूट सा लौंडा उसको एक दिन बैंक में मिलता है जहाँ पे वो काम करती है, जिसका नाम है करण, प्लेड बाय सैफ अली खान। तो मूवी एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी लगती है शुरुआत, जैसे कि तुम्हें पता है ये एक हसीना थी अगर कहीं पर भी आ जाए तो वो स्टोरी सीधी तो हो ही नहीं सकती, ऐसा ही होता है इस मूवी में। तो जो ट्विस्ट है वो तुम्हें मूवी में देख के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था एक महीने या दो महीने पहले, जिसको मैंने सेल्फ कर दिया था अपने वीडियोज़ में, बट अब बात करनी पड़ेगी। तो जो ये मूवी है ये बहुत ही पोएटिक जाती है नेचर में, क्योंकि तुम्हें हर जगह पहेलियाँ मिलेंगी जब वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो जो एक दो दूसरे के प्यार में कर रहे हैं वो प्यार में भी पहेलियों से गिर रहे हैं, ठीक है, पहेली सॉल्व हो रही है, धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ पहेली एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है, तुम्हें पता है ना कौन सी पहेली कर रहा हूँ, नहीं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो नहीं सालो। तो मूवी के फर्स्ट हाफ तुम्हें बहुत ही कन्फ्यूज शुरुआत में करेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सडनली तुम्हें एक नए वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करेगा मूवी के अंदर जो चल रहा है। तुम्हें पता ही चलेगा कि करण करता जाए, मतलब करण तो बहुत अच्छा बंदा है जब तक वो फर्स्ट हाफ में है, बट जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस मूवी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो कि हाँ तुम थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया ना कि ये एक हसीना थी, कभी ऐसे आता ही नहीं मूवी में, कुछ अलग होता ही है। तो हाँ वो जो अलग चीज़ है वो होती है मूवी में, और जब होती है तो तुम्हें जो प्यार के अंधेपन में तुम चीज़ें कर बैठते हो उसका एहसास होता है, वो बाद में होता है, वो ये मूवी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उर्मिला मैम का कैरेक्टर मिस्टीरियस प्लस क्यूट बहुत ज़्यादा रहता था अर्ली ट्वेंटीज में या लेट 90s में मान लो, क्योंकि एक मैंने मूवी देखने की सोचा था, मेरे बस की नहीं है वो देखना, कौन मूवी का नाम है, अगर तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि तुम हॉरर या थोड़ी भी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो तो तुम देख सकते हो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मतलब ऐसा कुछ हॉरर जैसा नहीं, बट वो एक क्रीपी स्माइल है ना जो मैन की है, मैं नहीं देख सकता वो, पर वो साउंड के साथ तो क्या ही है भाई, वो किसने डिज़ाइन किया वो पीछे का साउंड उस फ्रेम या पूरे सीन के लिए, भाई वो गजब ही है। हाँ तुम्हें अगर नहीं पता मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ तो हाँ यूट्यूब पे फ्री है, कौन मूवी का नाम है, और जिसमें तुम्हें हमारे बहुत ही प्यारे मनोज वाजपेयी सर भी मिलेंगे उर्मिला मातोंडकर के साथ, और एक और एक कैरेक्टर है जो सावधान इंडिया में नरेटर बनते थे वो। तो मूवी देखते देखते फर्स्ट हाफ जो है वो मैं निचोड़ दूँ तुम्हें, तो ये है कि प्यार करो चूतिया मत बनो, प्लीज़ 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 गाइस, ये दिल से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मूवी देखते देखते तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम प्यार में अंधे हो तो एक लिमिट तक अंधे हो, अगर उससे ऊपर अंधे हो गए तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब अंधेपन में नहीं दिखता, सॉरी टू से, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मूवी फर्स्ट हाफ में चलती है रोमांस थ्रिलर, सेकेंड हाफ में हो जाती है बिल्कुल ही जो होता है ना बदलापुर वाली वाइब के, हाँ बदला चाहिए अपन को क्योंकि हमारे साथ हुआ है गलत और हम प्यार में ये तो नहीं चाहेंगे, तो वो रेबल फेस जो आता है उर्मिला का, हाँ ठीक है मैंने बताई दिया, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और तुम्हें पता तुम्हारे दिल को सुकून कब मिलेगा अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रखा है, तो सो सैड फॉर यू, बट जब वो ऊनो रिवर्स कार्ड स्टार्ट होता है फिर इतना मज़ा आ जाता है भाई, बिल्कुल सुकून से मिल रहा होता है कि इसको अब फंसाने में जो है ना ये पूरा चक्रव्यूह रच दिया उसने, और उसने उसको धीरे धीरे बुला दिए और उसको बता भी रही है कि मैंने बुलाया, ऑल इज वेल कर, ऑल इज वेल, मैंने बुलाया, अब देख तू मुझे देख। और जो एक अपराध सीरियल अपराधी होता है ना जो कि बहुत बड़े क्राइम कर चुका होता है और बार बार करता रहता है, उसकी एक आदत हो जाती है कि वो कभी सच कबूलना ही नहीं चाहता है, वो ही इस मूवी में दिखाया कि साला एंड तक पता है उसको कि अब फंस चुका है तब भी वो सच नहीं बोल रहा है,
क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एस्केप आउट कर लूँगा, क्या पता मैं बच जाऊँ। जिससे प्यार करता था या जो मेरे से प्यार करती थी उसको ये बोलते कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, सॉरी फॉर दैट, बट क्या बोलूँ, कुछ मजबूरियाँ थी, करना पड़ा, ये नहीं बोल सकता बस, बड़े अजीब तरीके से। बट हाँ, थ्रिलर मूवी तो मज़ेदार है। और तुमने रियल लाइफ में सुना होगा कि लड़की बहुत अच्छे से काटती है, अगर तुम्हें नहीं पता कैसे काटती है तो उर्मिला से जाके मिलो, क्योंकि उसको पहले एक बार किसी ने काटा और फिर अगर उसने काटना चालू किया तो तुम्हें मूवी में देखने में मजा आएगा कि कितना काटा है, कैसे काटा है, क्यों काटा है, और मजे ही। और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि इतना सब चोचला करने की ज़रूरत क्या थी, मतलब उसको बदला लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो अंदर का पीस है ना वो जा चुका था जब से वो जेल में थी, उसने लड़ाई करी, दंगा किया, बट जब वो बाहर आई उसे चाहिए था पीस, वो इनर पीस जो वो खो चुकी है एक प्यार में, और वो उसी प्यार के बवंडर में वापस जाती है और अपना पीस लेके आती है। वो अलग बात है कि उस बवंडर को ही रोक के आती है, कैसे क्यों, वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसके लिए तो मैं जाके मूवी देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगी, जिसका नाम है एक हसीना थी, 2004 की मूवी है, सैफ अली खान है, उर्मिला मातोंडकर है। तो हाँ, जाके देखो, करण और सारिका की लव स्टोरी जिसमें प्यार है और खून खराब है भी, बट गुड मूवी सर, मजा आया, 2004 की मूवी है। तो हाँ, अगर अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम उसको मारने की सोच रहे हो, मतलब लात वात, तो हाँ तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए कि क्रॉस डबल क्रॉस कैसे हुआ और क्या प्यार रचा है, ठीक है। तो हाँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नए रिव्यू के साथ, एक नई मूवी रिकमेंडेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, गुरु से दुरुस्त रहना, और आते रहना, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, 100 पहुंचा जल्दी, क्योंकि देख रहे हो रोनाल्डो भाई के 2 दिन में हो चुके हैं 12 महीने, मेरे बराबरी, मेरी उनसे बराबरी नहीं है, बट तुम मेरी 100 नहीं करा सकते, 100 सब्सक्राइबर तो करा ही सकते हो गाइस, उसके बाद 1000 करा देना तो 2000 रिकॉर्ड बन सकता है ऐसा मेरे चैनल पे, नहीं बन सकता, मुझे भी पता है क्योंकि रीच ही नहीं है। बाय बाय।